बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हाथरस से, जहां पर नहीं सुधर रहे हैं क्वारंटाइन सेंटर के हालात। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि अव्यवस्थाओं और गंदगी का यहां पर अंबार लगा हुआ है। और जो क्वारंटीन हुए लोग हैं, उन्होंने अव्यवस्थाओं का ये जो वीडियो है ये वायरल किया है। बड़ी खबर आपको हाथरस से बता रहे हैं, जहाँ पर क्वारंटीन सेंटर के हालात नहीं सुधर रहे हैं, गंदगी का अंबार। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा गंदगी है यहाँ पर। और ये वीडियो वहाँ पर क्वारंटीन सेंटर में जो लोग हैं उन्होंने ये वीडियो बनाकर वायरल किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता उमाकांत हमसे जुड़ चुके हैं। उमाकांत, लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो क्वारंटीन सेंटर हैं वहां पर अव्यवस्थाओं और गंदगी का अंबार लगा हुआ है, क्या कुछ और जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, आपको बता दूं, जहां कल एक कोरोना पेशेंट मिला था उसके परिजनों को लगभग 25 लोगों को क्वारंटाइन किया गया था। उन्हें हादस के साथनी का एक क्वारंटाइन सेंटर है जहां क्वारंटाइन किया गया था। वहां के जब हालातों की जो हालत खराब है उसकी उनके उन लोगों ने वीडियो बनाकर वायरल किया। वो ये गुहार लगा रहे हैं कि हम लोगों को यहाँ कोई सुविधा नहीं दी जा रही है, गंदगी है यहाँ पर काफी, न खाने की व्यवस्था है न पानी की व्यवस्था है। ऐसी जो वीडियो है उसमें वो लोग अपनी बात रख रहे हैं और अपनी गुहार लगा रहे हैं। लेकिन उस वीडियो वायरल होने के बाद भी अभी तक प्रशासन ने उनकी कोई हेल्प नहीं की है, ना उनके कोई जो सुधारना चाहिए उनको व्यवस्था सुधारने को अभी तक ऐसी वैसे हालात है जी। उमाकांत जी, जो ये वीडियो वायरल हो रहा है, क्या इस पर अधिकारी का कोई रिएक्शन, किसी अधिकारी का कोई रिएक्शन आया है, क्या उन्होंने इस मामले का संज्ञान लिया अभी तक? जी, अभी हमने स्वास्थ्य विभाग को भी फोन किया लेकिन फोन नहीं उठा है। हालांकि वीडियो वायरल हुआ है उसे ट्वीट भी किया है, लेकिन अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया है। अब देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग कितनी जल्दी उसको संज्ञान लेता है और जो वहाँ की व्यवस्था उसको जल्दी। तमाम जानकारी के लिए उमाकांत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।